सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो कुछ दिनों पहले हमने टॉप 10 डिलीटेड पोकेमॉन एवोल्यूशन को देखा था, यानी कि ऐसे पोकेमॉन जिनको एवोल्यूशन या फिर प्री एवोल्यूशन देने का डिसाइड किया था पर आगे जाके उसको डिलीट कर दिया गया। एंड आज का ये वीडियो उसी का पार्ट 2 होने वाला है, यानी कि आज हम दोबारा से टॉप 10 और डिलीटेड पोकेमॉन एवोल्यूशन को देखने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 पे आता है वाटर और साइकिक टाइप पोकेमॉन स्लोपोक। ये जेन 1 कैंटो से बिलोंग करता है। अगर एक शेल्डर स्लोपोक के पूछ पे काट ले तो वो स्लोब्रो में इवॉल्व हो जाता है। वहीं पे अगर एक स्लोपोक को उसके सर पे कोई शेल्डर काट ले और उसके पास किंग्स रॉक हो तो वो इवॉल्व हो जाएगा स्लो किंग में। पूछ पे या फिर सर पे काटने के बाद शेल्डर एक काफी अलग पोकेमॉन में बदल जाता है। पर क्या आपको पता है, स्लोपोक के पूछ पे जो पोकेमॉन रहता है वैसा एक अलग सा पोकेमॉन होने वाला था जो कि कुछ इस तरह का था। ये एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन था और इसका नाम था तुरबैन। या तो यह स्लोपोक के एवोल्यूशन लाइन से हो सकता था या तो एक अलग पोकेमॉन होता जो कि स्लोपोक के पूछ पे काटता, बट इसको आगे जाके डिलीट कर दिया गया और अब यह काम शेल्डर करता है। नंबर 2 पोनीटा। पोनीटा एक प्योर फायर टाइप का पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से। ये एक 2 स्टेज पोकेमॉन है जो कि इवॉल्व होता है एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन रैपिडैश में, बट ओरिजिनली एक 3 स्टेज पोकेमॉन होने वाला था। जेन 1 कैंटो में पोनीटा के पास एक प्री एवोल्यूशन होने वाला था जो कि कुछ इस तरह का दिखता। इसका नाम था पूचीकुन जो कि एक बेबी पोकेमॉन होता। अपने एवोल्यूशन से अलग ये एक प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन था, ना कि फायर टाइप, जो कि बिल्कुल परफेक्ट प्री एवोल्यूशन लग रहा था। पर आगे जाके इसको कट कर दिया गया क्योंकि गेम में ज्यादा स्पेस नहीं थी। इसको आगे जाके जेन 2 जोटर में दोबारा ऐड करने का सोचा गया था बट वहां पर भी इसको ऐड नहीं किया गया। नंबर 3 ग्राउलेथ। ग्राउलेथ एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से। ये एक 2 स्टेज पोकेमॉन है। अगर आप इस पे फायर स्टोन का यूज करते हो तो ये इवॉल्व हो जाएगा प्योर फायर टाइप पोकेमॉन आर्कनाइन में। वेल, ग्राउलेथ ओरिजिनली 2 स्टेज नहीं बल्कि 3 स्टेज पोकेमॉन होने वाला था। इसके पास एक प्री एवोल्यूशन था जो कि कुछ इस तरह का था। यह हमें तब देखने को मिला था जब पोकेमॉन गोल्ड एंड सिल्वर का 1997 का डेमो लीक हो गया था। 2018 में यह ग्राउलेथ के एवोल्यूशन लाइन का बेबी फॉर्म होने वाला था। इसका जैपनीज नेम था पुडी। ये लेवल 13 पर इवॉल्व होता ग्राउलेथ में, वहीं पर ही आगे जाके फायर स्टोन का यूज करके आर्कनाइन में इवॉल्व हो जाता। इसको जोटो रीजन में ऐड करने का सोचा गया था बट वहां पर ऑलरेडी 17 बेबी पोकेमॉन को ऐड कर दिया गया था जो कि काफी ज्यादा थे, इसीलिए पोकेमॉन क्रिएटर्स ने काफी सारे बेबी पोकेमॉन को डिलीट कर दिया। नंबर 4 टैंगला। टैंगला एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से। कैंटो रीजन में ये एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन थी। इसके पास कोई भी एवोल्यूशन या फिर प्री एवोल्यूशन नहीं था पर आगे जाके जेन 4 सीरो में इसको एक एवोल्यूशन दिया गया जो कि था प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन टैंग्रोथ। अगर कोई टैंगला एंशिएंट पावर अटैक सीख लेती है तो वो इवॉल्व हो जाती है टैंग्रोथ में। वेल, अगर हम टैंग्रोथ को ना काउंट करें तो भी टैंगला ओरिजिनली एक 3 स्टेज पोकेमॉन होने वाली थी। इसके एवोल्यूशन और प्री एवोल्यूशन दोनों को कट कर दिया गया था। इसका प्री एवोल्यूशन कुछ इस तरह का दिखता था। इसका नाम था मोनजा जो कि एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन था। ये लेवल 22 पर टैंगला में इवॉल्व हो जाता। उसके बाद टैंगला का फाइनल एवोल्यूशन होता है जरानरा जो कि एक और प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन था। इन दोनों की डिजाइन उतनी भी अच्छी नहीं थी बट इन दोनों ही पोकेमॉन्स को डिलीट कर दिया गया और टैंगला एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन रह गया। हालांकि आगे जाके जेन 4 सीनो में इसको एक और एवोल्यूशन दिया जाता है। नंबर 5 जिराफरिक। जिराफरिक एक नॉर्मल और साइकिक टाइप पोकेमॉन है जेन 2 जोटो रीजन से। ये ओरिजिनली एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन था। इसके पास कोई भी एवोल्यूशन या फिर प्री एवोल्यूशन नहीं था पर जेन 9 पार्डिया में अगर ये ट्विन बीम अटैक को सीख लेता है तो ये इवॉल्व हो जाता है फेरी जिराफ में। ओरिजिनली जिराफरिक के पास एक प्री एवोल्यूशन होने वाला था जिसका नाम था ट्विन्स। ये एक डार्क और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन था जो कि जिराफरिक का प्री एवोल्यूशन होने वाला था पर आगे जाके इसको कट कर दिया गया। इसके साथ जिराफरिक के ओरिजिनल डिजाइन को भी कट कर दिया गया जहां पर उसके पास 2 हेड्स थे और जिराफरिक को डार्क और नॉर्मल टाइप से हटाकर नॉर्मल और साइकिक टाइप का पोकेमॉन बना दिया गया जो कि एक काफी खराब चेंज था। नंबर 6 पेरेस। पेरेस एक बग और ग्रास टाइप पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से। ये एक 2 स्टेज पोकेमॉन है जो कि आगे जाके लेवल 24 पर इवॉल्व हो जाती है पेरेस एक्ट में, बट ओरिजिनली एक 3 स्टेज पोकेमॉन होने वाली थी जिसके पास एक बेबी फॉर्म या फिर प्री एवोल्यूशन था। इसकी डिजाइन कुछ इस तरह की थी और इसका नाम पैरा था। इसकी टाइपिंग थी प्योर बग टाइप। ये लेवल 12 पर इवॉल्व होता पेरेस में और लेवल 24 पर पेरेस एक्ट में इवॉल्व हो जाता पर आगे जाके इसको डिलीट कर दिया गया जिससे पेरेस एक 2 स्टेज पोकेमॉन ही रह गया।
नंबर 7 कैकनिया। कैकनिया एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 3 होइन रीजन से। ये एक टू स्टेज पोकेमॉन है जो कि लेवल 32 पर जाकर एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन कैक्टन में इवॉल्व होता है। वैली ओरिजिनली एक 3 स्टेज पोकेमॉन तो नहीं होने वाला था, बट इससे काफी सिमिलर पोकेमॉन को जेन 1 कैंटो रीजन में डिलीट कर दिया गया था जो कि था कैक्टस। ये कैंटो रीजन का पोकेमॉन था जो कि इस तरह का दिखता था। इसको सबसे पहली बार गेम फ्रीक ने रिवील किया था 2018 की सातोशी ताजिरी की बायोग्राफिकल मांगा में। आगे जाके इससे इंस्पायर्ड होकर कैकनिया और कैक्टन पोकेमॉन को बनाया गया, बट ये भी उनके एवोल्यूशन लाइन में हो सकता था। नंबर 8 ग्राइमर। ग्राइमर एक प्योर पॉइजन टाइप पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से। ये एक टू स्टेज पोकेमॉन है जो कि इवॉल्व होता है एक प्योर पॉइजन टाइप पोकेमॉन मक में। वैली ओरिजिनली एक 3 स्टेज पोकेमॉन होने वाला था। इसके पास ओरिजिनली एक प्री एवोल्यूशन या फिर बेबी फॉर्म होने वाला था जिसका नाम था बीटो बेबी। इसके नाम का ट्रांसलेशन होता है ग्राइमर बेबी। ये लेवल 19 पर जाकर इवॉल्व होता है ग्राइमर में, फिर ये लेवल 38 पर जाकर अपने फाइनल फॉर्म मक में इवॉल्व हो जाता है। ये अपने एवोल्यूशन की तरह एक प्योर पॉइजन टाइप पोकेमॉन था, पर आगे जाके इसको भी डिलीट कर दिया गया क्योंकि यह जेन 2 जोटो रीजन में रिलीज होने वाला था। इसके कट होने का भी वही सेम रीजन था कि जोटो रीजन में काफी सारे बेबी पोकेमॉन को ऐड किया गया था, इसीलिए काफी सारे पोकेमॉन को कट किया गया। नंबर 9 बेलस्प्राउट। बेलस्प्राउट एक ग्रास और पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से। ये एक 3 स्टेज पोकेमॉन है जो कि लेवल 21 पर जाकर इवॉल्व होता है विपिन बेल में, और फिर अगर आप इसके ऊपर लीफ स्टोन का यूज करते हो तो ये इवॉल्व हो जाता है विक्ट्री बेल में। ये सारे के सारे ग्रास और पॉइजन टाइप पोकेमॉन है। वेल ओरिजिनली बेलस्प्राउट का फाइनल एवोल्यूशन विक्ट्री बेल नहीं होने वाला था। इसकी डिजाइन काफी ज्यादा डिफरेंट थी जो कि कुछ इस तरह की थी। इसका नाम था सुबो मिटो जो कि एक ग्रास और पॉइजन टाइप पोकेमॉन था। ये एक स्पेशल स्टोन यानी कि पॉइजन स्टोन से इवॉल्व होता था, बट जाके इस स्टोन को भी कट कर दिया गया। विक्ट्री बेल विपिन बेल से काफी सिमिलर दिखता है, पर ये बेलस्प्राउट से काफी सिमिलर लगता था, बट इसको भी आगे जाके डिलीट कर दिया गया और इसको रिप्लेस किया गया विक्ट्री बेल से। और फाइनली नंबर 10 डिट्टो। डिट्टो एक प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से। ये एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन है, इसके पास कोई भी एवोल्यूशन या फिर प्री एवोल्यूशन नहीं है। डिट्टो के पास सिर्फ एक ही अटैक होता है जो कि है ट्रांसफॉर्म। इसका यूज करके ये किसी भी पोकेमॉन में चेंज हो सकता है, पर ओरिजिनली डिट्टो एक 2 स्टेज पोकेमॉन होने वाला था। ये इवॉल्व होता है एनिमॉन में जो कि कुछ इस तरह का दिखता था। ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन था, पर फैंस के अकॉर्डिंग ये एक स्टील टाइप पोकेमॉन होने वाला था, क्योंकि अगर आपको डिट्टो को इवॉल्व करना है तो आपको मेटल कोट का यूज करके इसको इवॉल्व करना पड़ेगा एनिमॉन में। इसी सेम तरीके से साइथर इवॉल्व होता है सीजोर में और स्टील टाइप पोकेमॉन बन जाता है। डिट्टो के तरह इसके पास भी एक ही अटैक था जो कि था ट्रांसफॉर्म, जिसका यूज करके ये दूसरे पोकेमॉन में चेंज होता, जिससे डिट्टो और इसमें ज्यादा फर्क नहीं रह जाता, इसीलिए शायद इसको डिलीट कर दिया गया था। वेल तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।